नमस्कार किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेके आज से नया नियम जो है वो लागू हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत इस नियम के अंतर्गत जो फर्जीवाड़ा हो रहा था, जो गलत तरीके से किसान इसका लाभ ले रहे थे, उन किसानों को अब इसका लाभ नहीं मिलेगा। उन किसानों का नाम हटाया जाएगा और उनकी जगह जो है अब और नए किसानों को मौका दिया जाएगा। तो किसानों के लिए इस नए नियम के तहत अप्रैल में नया नियम लागू किया गया है, आज से लागू हो गया है। इस नियम के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा नियम लागू किया गया है जिसके तहत फर्जीवाड़ा रोका जाएगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा खबर की तरफ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं जी न्यूज की ऑफिशियल रिपोर्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना सरकार ने बदले नियम। इस दस्तावेज के बिना खाते में नहीं आएगी अब आपकी अगली किस्त। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर 11वीं किस्त का आप लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपको इस नियम के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र और स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराएं और साथ ही राशन कार्ड साथ रखें। इसका नंबर आपको पंजीकरण के दौरान देना होगा। इसके अलावा राशन कार्ड की PDF अपलोड करना भी आपको ज़रूरी होगा। आपको बता दें, पंजीकरण के दौरान खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और घोषणा पत्र की हार्ड कॉपी जमा कराना अब जरूरी नहीं है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल घंटे के निशान को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप प्राप्त कर पाएँ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट जो है आपको ज़रूरी कर दिया है। आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ज़रूरी। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं और इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं तो अब आपको राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। बिना राशन कार्ड के आप इसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, राशन कार्ड अनिवार्य करने से फर्जीवाड़ा किस तरीके से रुकेगा तो मैं आपको बता दूँ, पूरे परिवार का एक ही राशन कार्ड होता है और काफ़ी किसान ऐसे हैं, काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनमें एक ही परिवार में एक से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया हुआ है, यानी कि एक ही परिवार में दादा, बेटा और पोता, ये तीनों जो है इसका लाभ उठाए हुए हैं। तो ऐसे में जब राशन कार्ड इसमें लागू किया गया है तो राशन कार्ड में सभी के नाम होंगे और वहीं से पता चल जाएगा कि इस राशन कार्ड में कितने लोगों ने इसका लाभ उठा रखा है। तो सिर्फ यहाँ पर एक परिवार में एक ही किसान इसका लाभ उठा सकता है, ये यहाँ पे इस स्कीम की पात्रता में रखा गया था। तो अब ये नियम लागू कर दिया गया है कि अब आपको राशन कार्ड के बिना इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो राशन कार्ड से ये फर्जीवाड़ा रुक जाएगा और पता चल जाएगा कि एक परिवार के कितने सदस्य इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, नया नियम लागू किया गया है राशन कार्ड को जोड़कर। आपके हिसाब से राशन कार्ड जो है सही है या गलत है जोड़ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।